इस समय हम घारी घाट ब्रिज के पास हैं। आप देखिए ये बिसुही नदी काफ़ी उफान पे है इस समय। आगे आप जो देख रहे हैं वो अंत्येष्टि स्थल है। इस समय वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने अंत्येष्टि स्थल है और वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जिसकी मैयत हो उसके लाश को रखने के लिए, दफनाने के लिए कोई जगह यहाँ बचा नहीं है जहाँ कि ऐसा हो कि पानी न भरा हो। बखरान गौरा चौकी मार्ग है और यहाँ देखें अभी पब्लिक जो है ब्रिज के पास यहाँ देखने के लिए आए हैं लोग। जय राम जय राम। आओ आइए। कहीं तो लागत है यार पिछले साल से ज्यादा फुलाए हैं। पिछले पुल से कितना होगा, पुल छूने में 1 फीट बाकी होगा अभी कि छू लिया है? हाँ खाल बा है ना, इस साइड में खाल है, छुई के बह रहा का। गाटर छूने के करीब है एकदम से। अच्छा वहाँ जो मछली वाला लगाया था उसका अच्छा भी बहा नहीं, वो परमानेंट है। हाँ फसल के क्या हाल है इसमें? फसल तो सब चौपट है, बाढ़ की वजह से सब चौपट। आओ थोड़ा सा में अगर मैयत हो तो कहाँ लोग लेके जाएं, कहीं दफनाने का जगह ही नहीं है। कोई कोई जगह है, हाँ सब जगह पानी से भरा। फार्मेसिया तो पानी गया था, लेकिन फार्मेसिया तो है। सामने देखे धान की फसल कैसे डूबा हुआ है। हाँ हाँ धान तो डूबा हुआ है ना, ये डूबा हुआ पूरा, सामने धान डूबा हुआ है। ये नदी में जो उफान आया है इससे फसल के बारे में कुछ बताएंगे आप, कैसा क्या स्थिति है? बाढ़ आने की वजह से
यहाँ के सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न है, जिससे फसल चौपट हो चुका है। फसल चौपट हो चुका है। क्या नाम है आपका? राम सिंह चौधरी है। ये कुछ बताएंगे इसके बारे में जो नदी में बाढ़ आया है अभी? इसमें बाढ़ आया है, कब ना हुआ है, सबका फसल नुकसान है। हाँ, कितने गरीब बेचारे भूखे मर गए। गरीब अमीर वो थोड़े देख रहा है यार, वो तो गरीब अमीर सबके ऊपर भारी पड़ेगा ना। वो अपने गरीब से क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? नेपाल का जो पानी है सारा, एक बार वो आया घाघरा का। हाँ, इसी नाते बाढ़ आएगा। हाँ, इसी नाते बाढ़ आएगा, धान वान सब बर्बाद हो गए। हाँ हाँ, खाले ऊँचे सब बरबर हो गए, एक मेरा सब है, सब एक टाइम है, पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी से फसल हाथ में आने का कोई चांस नहीं है। फसल नहीं आएगा, कोई नहीं आ रहा हाथ में। अच्छा, फसल आने का चांस घुस गया आ जाके। अच्छा अच्छा, घरों में भी घुस गया है, घुसा हुआ पानी है। अच्छा अच्छा, कोई फसल नहीं आ रहा, ये सामने जाके देखो पूरा घर में घुसा हुआ पानी। हाँ, वो तो हमने देखा है, घर में घुसा हुआ है, सारा पानी घर में घुस गया, कोई फसल नहीं मिलेगा ना कुछ मिलेगा। रोड पे आ गए बेचारे। अच्छा अच्छा, तो ये स्थित घारी घाट यहाँ ब्रिज के पास जो लोग बता रहे हैं, देखें आप, ये घारी घाट ब्रिज है बभनान गौरा चौकी मार्ग पे। और जहाँ ये आप बिस्वी नदी का सीन देख रहे हैं, काफ़ी उफान पे इस समय है। लोग बता रहे हैं कि धान का फसल बिल्कुल बर्बाद हो गया है, एकदम डूब गया है। हाँ, फसल तैयार भी था करीब करीब, फसल काटने लायक था। क्या नाम ना? अनिल कुमार। सामने हमारे विद्युत कर्मचारी हैं, और यहाँ जैसा कि देखें आप 35,000 वोल्टेज की लाइन भी यहाँ से गई हुई है। आप बता रहे हैं कि यहाँ फॉल्ट था, हम लोग काफ़ी मुश्किल से इसको ठीक किए हैं, तो कैसे किया हुआ, थोड़ा आपसे जानकारी ले रहे हैं। सर जी, ये नदी इस समय उफान पे चल रही है। हाँ, अगर हमारी वाली 35,000 की लाइन जो मनकापुर से सभी लोगों को, अच्छा ये सामने 35,000 लाइन है, 35,000 की लाइन जा रही है, ये लाइन मनकापुर से घारी घाट को आई है, इसी में से ये लाइन विधायक जी के गांव पे गई हुई है, देवरिया मद्दो पे। 35,000 की लाइन ये भी है। हाँ? अगर बाई चांस लाइन फॉल्ट होती है, वो डबल पोल है। हाँ, हाँ, वो कभी डबल कभी पोल। वहाँ हाँ, पे जम्पर काट देता है, एक डबल पोल सर वहाँ। अच्छा, हाँ काफी दूरी पे। हाँ, इस साइड में। अच्छा, इस साइड भी है डबल पोल। हाँ, इस साइड सामने उधर है, जम्पर कभी कभी काट देता है। हाँ, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत अब सामना करना पड़ेगा। हाँ हाँ, लाइन कैसे देखी जाएगी, इतनी पानी में कम से कम जाना पड़ेगा, जहाँ वो डबल पोल दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, वहाँ तो जाना तो। एक दिन मैं गाड़ी लेकर के जा रहा था, पानी थोड़ा कम था, 35,000 की लाइन हमारी ब्रेक डाउन में आई थी। हाँ, यहाँ एक नाला बहता है। हाँ, नाले में हम गाड़ी लेकर के अच्छा चले गए, नाले चले गए। हाँ, गिर गएगा। हाँ, उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद वहाँ तक हम डबल पोल तक पहुँच पाए। अच्छा, अभी हम ये देख रहे हैं सामने यहाँ नौका भी लगा हुआ है, तो नौके से भी कोई सफर करता है यहाँ से? इसके बारे में हमको सर जी नहीं जानकारी है। अच्छा, ये नौका यहाँ छोटी सी एक नौका दिखाई पड़ रही है। जब लाइन ब्रेक डाउन में हुई थी उस समय नौका नहीं था, उस समय ये कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ऐसे में अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। इधर भी पानी है, इधर भी पानी। हाँ, पानी तो भरा हुआ पूरा देख रहे हैं ना ये सब।